अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू द गली क्रिकेट शो। मैं हूं आपको शायान, मेरे साथ हैं शहरयार एंड तैमूर एज यूजुअल। और आज के एपिसोड पे वी विल बी रिव्यूइंग द पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज एंड वी विल बी डिस्कसिंग द स्टार परफॉर्मर्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज हु कुड परफॉर्म अ लिटिल बेटर एंड व्हाट things are looking like for Pakistan with the World Cup upcoming ahead in the summer. Before we get into that, please go ahead and subscribe to our channel, like this video, share this video among your friends and family, and give us your feedback on how we could, you know, provide you better content as well. So aaj Pakistan ne series level kar di. They won by 7 runs today against New Zealand. Aaj ka bhi game thoda halak mein aa gaya tha. Last wala game bhi अलग से उतरा नहीं था, तो कुछ बड़े बड़े क्लोज गेम्स हुए हैं सीरीज में। हमारी ए टीम थी, उनकी भी टीम थी, तो अब आप डिसाइड करेंगे वो ए टीम भी या सी टीम थी। बट चले, तो विदाउट मच फर्दर डू, इस गेम में, दीज लास्ट टू गेम्स वी हैड गुड परफॉर्मेंसेस बाय पाकिस्तान, especially today with Shaheen Afridi and Babar Azam. They really stepped up their game. Last game mein thoda sa batting ka issue hua, hum log chase nahi kar paaye sahi se. Fakhar Zaman ki 50 thi, Iftikhar Ahmed ne thodi contributions ki, but overall top order hamara last game mein bhi fail gaya tha, aur is game mein bhi with the exception of Babar Azam nobody really stood up. The question बनता यही है कि अगर बाबर आजम ने रन्स नहीं किए तो फिर क्या हमारी बैटिंग नहीं चलेगी आगे, तो इसी पे थोड़े बात करेंगे। तो भैया शैया, आप बताएं, विद यू नो विद हाउ डू यू सी पाकिस्तान बैटिंग इन दिस सीरीज? टॉप थ्री पूरी सीरीज स्ट्रगल करता हुआ आया, और आज बाबर आजम के रन्स हुए तो आज थोड़ी बहुत लग रही थी कि बैटिंग में थोड़ी जान आई है, वरना ओवरऑल हमारी बैटिंग स्ट्रगल ही करती हुई आ रही है। किसी में भी कोई वो स्टार्ट में वो कहते हैं ना जो एक एनर्जी दिखती है, वो किसी में एनर्जी नहीं दिख रही थी हमें। तो क्या क्या समझते हैं आप इसके बारे में? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स। भाई देखें, सबकी जगह एट स्टेक है, सही है, तो सब अपनी अपनी जगह बनाने के चक्करों में लगे हुए। पाकिस्तान की बैटिंग हमेशा से एक इशू था, है, और आने वाले कई सालों तक ये इशू रहेगा, क्योंकि मसला हमारा वही है कि हमारे हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, और जहाँ तक हमें बैटिंग के जो इश्यूज आते हैं, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि हमें जो बैटर्स मिलते हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है, उनको किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे डेवलप करना है। तो जहाँ जैसे आपने बोला ना कि बाबर आजम अगर रन नहीं करें या रिजवान अगर रन नहीं करे, तो उसके अलावा टीम में कोई भी नहीं है जो रन करे कंसिस्टेंटली। अगर आप इस सीरीज़ को भी देखें तो बाबर और रिजवान के अलावा शायद एक फ़खर है जिसने थोड़े बहुत रन किए, वरना बाकी सबको स्टार्ट मिले एंड दे जस्ट कुड नॉट यू नो कैपिटलाइज। ठीक है, शायद आपने एक इनिंग्स के लिए, बट शादाब इज सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर के जिससे आप हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रन करेगा। तो मगर क्योंकि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं स्ट्राइक रेट को लेके और एवरेजेस को लेके और किसने कितना बेड़ा कर किया है टीम का, इन सब चीज़ों को तरह लेके इतना कंफ्यूजन है हमारे दिमाग में कि हम लोग को जो रियल इश्यूज़ हैं जिस पर हम आगे जाके बात करेंगे, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, एंड उसकी वजह से जो है ना हमें कभी भी ना कोई इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, और आगे भी जाके हमें इसी तरह की परफॉर्मेंसेस हमें इंग्लैंड में भी, आयरलैंड में भी, और यू नो टू बी वेरी ऑनेस्ट हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि हमारा प्रोसेस वही है मेडियोकर परफॉर्मेंसेस देने का जो हमने सीरीज में देखी है। यहाँ तो चले अब एक एक्सक्यूज लोग दे रहे हैं ना कि जी ये सी टीम थी और ये था और वो था। आप ए टीम के अगेंस्ट, आपने 2 महीने पहले न्यूजीलैंड की ए टीम के अगेंस्ट खेला है, वहाँ भी हमने यही मसले मसाइल देखे हैं जो हमने होम पे देख रहे हैं। तो इश्यूज आर परमानेंट एंड रियल,
The sad part is nobody is doing anything about it. नहीं, आपने सी टीम की जो बात की है, हमने इस न्यूजीलैंड की टीम में देखा है कि उनमें पोटेंशियल काफी काफी है. दे हैव द पोटेंशियल टू कम्पीट. और जहाँ पे उनका इनएक्सपीरियंस जो नजर आ रहा था ना, वो ये नजर आ रहा था कि करंट सिचुएशंस पे वो लोग थोड़ा लैक कर रहे थे. तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि इनका इनएक्सपीरियंस है, देर यू नो देर न्यू टू द इंटरनेशनल सर्किट, तो वहाँ पे पाकिस्तान को थोड़ा एज मिल रहा था. बट ओवरऑल उन लोगों ने पाकिस्तान को आई वुड से बहुत टफ टाइम दिया है. एंड इट्स मतलब थोड़ा आपको सेल्फ सेल्फ चेक की जरूरत पड़नी चाहिए एज पाकिस्तान टीम, कि न्यूजीलैंड की बेंच टीम ने आपको इतना टफ टाइम दिया है. और अगर क्या पता, अगर वो पहला वाला गेम कंप्लीट हो जाता, वॉश आउट नहीं होता या डीएलएस लगता, तो शायद वो वाला गेम भी आप हार सकते थे, क्योंकि रेन अफेक्टेड गेम्स आर ऑलवेज वेरी ट्रिकी. बट तैमूर, कमिंग टू यू रिगार्डिंग द टॉप ऑर्डर, अभी जैसे भैया ने बात की, ही फोरसीज दीज इशूज गोइंग इन टू द इंग्लैंड सीरीज एंड द आयरलैंड सीरीज एंड अपकमिंग द अपकमिंग वर्ल्ड कप. आज के गेम में एंड पिछले गेम में भी हमने नोट किया था कि टॉप ऑर्डर, मतलब बाबर आजम की विकेट गिरती है या शाहिन अमीर की विकेट गिरती है, जो जो टॉप ऑर्डर में जो आते हैं उस्मान खान, फखर जमान, ये लोग थोड़ा टाइम लेके अपनी इनिंग्स को स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि आज के गेम में उस्मान खान की पहली बाउंड्री आई थी ऑन ए सेवेंथ बॉल. ये दिस इज द प्लेयर हु एवरीवन्स टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार ये बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, ही लाइक्स टू हिट द बॉल एंड एवरीथिंग. आज तो उनकी बैटिंग ही बहुत जल्दी आई थी. तो और फिर फखर जमान, ही हिट इज फर्स्ट बाउंड्री ऑन आई थिंक द नाइन्थ बॉल या टेंथ बॉल, और वो 20-22 बॉल्स में उनके 20 रन्स थे. तो टॉप ऑर्डर पे आप बैटिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी रेपुटेशन है टू बी अ ब्लास्टर, होती है ना मास्टर ब्लास्टर, जो भी आप रेपुटेशन देना चाहें लोगों को. बट डज इट जस्टिफाई द फैक्ट कि यार यू आर यू आर अ प्लेयर हु हैज़ अ रेपुटेशन ऑफ अ हाई स्ट्राइक रेट एंड यू आर टेकिंग योर टाइम एज इफ यू आर स्टार्टिंग इन वन डे इनिंग्स, और या एज इफ कोई मतलब बहुत विकेटों की लाइन लगी हुई हो या कंडीशन समझ नहीं आ रही हो. हाउ डू यू मेक दिस अप? लाइक टू बी फ्रेंकली ऑनेस्ट, आई डोंट सी एनी एक्सक्यूज फॉर दैट, क्योंकि अगले एंड पे अगर बाबर आजम 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, तो फिर आपसे क्यों नहीं बॉल टाइम हो रही है या गैप क्यों नहीं मिल रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड व्यूअर्स. नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहूँगा, जैसे आपने सी टीम की बात की थी ना, कि आपने ये भी कहा कि न्यूजीलैंड की जो टीम आई है स्किल पे बहुत अच्छी थी, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनका ज़ाहिर इतना नहीं था जितना पाकिस्तान का है. लेकिन मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन हुआ करता था एक टाइम पे कि यार ये व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय इंटरनेशनल एक्सपीरियंस. मतलब क्या है, मतलब गेंद डिफरेंट यूज़ होता है, बल्ले अच्छे होते हैं वहाँ पर, या पिचों पर पानी कम पड़ा जाता है, मतलब यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, राइट? इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बेसिकली इज़ योर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्रेशर एंड प्ले बेटर अंडर प्रेशर. अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हम एज अ कॉम, एज अ नेशन, हम लोग तो सीखते नहीं है कुछ भी, तो हमें आप इन लड़कों को 150-200 मैचों का भी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस दे देना, वो वहीं पे खड़े रहेंगे. उसकी रीज़न ये कि हम लोग एज अ नेशन साइकोलॉजिकली इतने साउंड नहीं है. हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स, या जो भी हमारी जो बेसिक ग्रूमिंग है एज अ नेशन, वो उस लेवल पे है ही नहीं. तो जब आपको एक चीज़ सिखाई ही नहीं गई और आपको ये भी नहीं सिखाया गया कि आपको सीखना भी है, तो यार जितना मर्जी इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लें, ये सी डी ई एफ जी एच टी जो भी एंड तक जी टीम तक जो भी आएगी, ये साइकोलॉजिकली बेहतर होंगे इनसे. एक आप ओपनिंग देंगे ना इन आने वाली टीम्स को, ये ऐसे करके मैच निकालेंगे जैसे उन्होंने पिछले दो मैच निकाले. तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम लोग बहुत सारे हमारे एनालिस्ट ही सो कॉल्ड एनालिस्ट बैठ के बात कर रहे होते हैं ना कि ये इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ज़्यादा ही है वो है. आई जस्ट समटाइम्स स्क्रैच माई हेड कि यार हाउ कैन दे बी सिटिंग ऑन द टीवी एंड दे मिस दिस फंडामेंटल पॉइंट. उसी चीज़ से अगर मैं कनेक्ट करूँ ना आपकी स्ट्राइक रेट वाली बात को, कि ठीक है उस्मान खान ने पीएसएल में, तो हम पहले भी बहुत दफ़ा इस शो में बात कर चुके, शेयर यार आप में हम सब बात कर चुके हैं, पीएसएल, डोमेस्टिक, IL T20, दीज आर डिफरेंट बॉल गेम्स वर्सेज इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज अगेन प्रेशर डिफरेंट होता है, राइट? उसके साथ साथ अगर बाबर आजम आपके सामने खड़े 200 के स्ट्राइक रेट पर बैटिंग कर रहे हैं, जब आपकी बारी आएगी तो बाबर आजम ने आपका बल्ला नहीं पकड़ना, बल्ला आप ही पकड़ के खड़े थे. तो एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू यू एज एन इंडिविजुअल कि आप कितना प्रेशर वो कर रहे हैं. देखें, मतलब अलमिया आप चेक करें, हमारे जितने भी सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं,
कि बुरी बातें भी बाबर आजम को करनी है और एंड में डिपेंड भी उसी पे करना है, और अगर मैच ना जीते बंदा तो बात ये थी यार बाबर आजम थोड़ा सा, मतलब यार तुम क्या चाहते हो उस बंदे से। अभी आई एम श्योर हम बात करेंगे इस बारे में भी कि इमरान खान के बाद द मोस्ट इंटरनेशनल गेम्स वन बाय एनी कैप्टन फॉर पाकिस्तान इज बाबर आजम, मतलब और क्या हो सकता है इससे ज्यादा। तो आई थिंक जस्ट अगेन टू समराइज ऑल ऑफ दिस टू आंसर क्वेश्चन डायरेक्टली इज दैट के स्ट्राइक रेट उसका जो भी है उससे खेला नहीं जा रहा उस तरह से जितनी एक्सपेक्टेशन थी। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि वही इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नर्वसनेस, हाउ टू हैंडल प्रेशर, दीज थिंग्स टेक टाइम। तो अगर कोई इंसान एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि ये आके आते के साथ ही 2-3 मैच में ये 100-150 के स्ट्राइक पे जो 50-60-80 रन मारेंगे, सॉरी गाइस, ठंडा पानी फेंक के आपको मैं उठा रहा हूँ आपकी गफलत की नींद से, लेकिन ऐसा नहीं हो। तो नहीं, तो फॉलो अप बनता ये है कि क्यों नहीं हो सकता, हमारे प्लेयर्स में ये काबिलियत ऐसी क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू अदर गाइज। पहले तो आप कहते थे ना कि यार PSL मतलब हमारे पास इंटरनेशनल लेवल की T20 लीग ही नहीं है, तो हमारे प्लेयर्स थोड़ा लैग करते हैं। अब तो वो 9 साल से वो भी चलती हुई आ रही है, अब क्यों नहीं हम उस कैलिबर के प्लेयर्स को ग्रूम कर पा रहे हैं। अब साइम अयूब हैं, ठीक है, माशाल्लाह से उन्होंने 18 गेम खेलनी है, पोटेंशियल है, सब दिखता है भाई क्या क्या बन सकते हैं, लेकिन अभी तक 18 इनिंग्स में उनकी 1 50 नहीं है। ही हैज अ वेरी ऑर्डिनरी स्ट्राइक रेट ऑफ 120 और कोई स्ट्राइक रेट है उनका, तो क्रिटिसिज्म उन पे बनता है, फेयर क्रिटिसिज्म बनता है आपके मुताबिक, या आपको लगता है कि अब इट्स टाइम टू से कि भाई अब यू नो इट्स टाइम फॉर साइम अयूब टू रियली स्टेप अप, क्योंकि अब ही इज नो लॉन्गर न्यू टू दिस आई गेस सेटअप दैट ही इज इन। कैप्टन वही है जो आपका PSL में कैप्टन है, उन्हीं के साथ आप ओपन कर रहे हैं, ओवरऑल एक कंफर्ट लेवल आपका मोरल लेस वही होना चाहिए। होम ज़्यादातर आपकी सीरीज होम पे हुई है, एक एक न्यूजीलैंड की सीरीज अवे सीरीज हुई है। तो यू नो लुकिंग एट साइम अयूब, लुकिंग एट द पोटेंशियल दैट ही हैज, व्हाई हैज ही डिलीवर्ड सो फार? देखें साइम अयूब की आपने एग्जाम्पल दिया है, ये सारे हमारे प्लेयर्स का मसला है जो अभी खेल रहे हैं या इससे पहले जो खेल चुके हैं या जो आगे आगे भी खेलेंगे, इन सब का एक कॉमन इशू है, वो है मेंटल टफनेस का। हमारे जितने भी प्लेयर हैं ना, ये मेंटली इतने स्ट्रांग ही नहीं है कि वो इतने इस स्टेज पर आके कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें। अब मसला ये होता है, जैसे साइम अयूब है ना, आई एम नॉट सरप्राइज कि वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो जिस तरह का प्लेयर है और जिस जिस रेपुटेशन के साथ वो आया है, ऑब्वियसली उसको टाइम लगना था और उसको सही टाइम लग भी रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नो जोक, ठीक है ना, आप जितना मर्जी 9 लोग शॉट मार लें, आप एक मारेंगे, दो मारेंगे, तीसरे पे आप पकड़ लिए जाएंगे, सही है। आप ये कोई आप के जो ओपोनेंट्स हैं ना, वो आपकी तरह नहीं सोचते, सही है, कि आपसे आज तक चैपमैन नहीं पकड़ा जा रहा, या आपसे और कोई एक प्लेयर है जो आपको हर मैच में आके जो है ना वो मार मार के आपका बढ़ता बना देता है, तो ऐसा नहीं होता। दूसरे जो आपके ओपोनेंट्स होते हैं ना, वो आपको पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से, तो उसको स्ट्रगल करना था, मगर क्योंकि आपने उसका हवा इतना बड़ा बना लिया था कि जी कि बस हमें यही चाहिए, यही जितवाएगा, हमारा सारा मसला बाबर रिजवान है, उसके अगर ये वो मीडियोकर से स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं इसलिए हम मैचेस हार रहे हैं, ठीक है, ये आएंगे 150 के स्ट्राइक रेट पे खेलेंगे तो मैचेस जीतना शुरू कर देंगे। आप नतीजा आपके सामने है, 17 मैचेस में आपने जैसे बताया कि नहीं हो सका उसे परफॉर्म। इसके अलावा और भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, उस्मान खान है, उस्मान खान की रेपुटेशन बनी गई बस जी, वो तो उनको पहले 4 नंबर भी खिला रहे थे तो लोगों ने बोलना शुरू किया नहीं जी इसके 3 पे बड़े अच्छे नंबर हैं, 3 पे खिलाएं, वो अल्लाह की करना, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि रिजवान इंजर्ड हो गए, वो 3 पे आ गया, वो 2 मैचेस से 3 पे खेल रहे हैं, उनका आप देख लें क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस है। आज भी उनका अगर आप उनकी इनिंग्स देखें तो वो आपको स्कोर कार्ड में नजर आएगा जी कि उन्होंने 129 के स्ट्राइक रेट से खेला है, ठीक है, 24 बॉलों पे 31 रन बनाए, मगर आप उसको अगर आप डाइसेक्ट करेंगे तो उन्होंने 4 बाउंड्रीज मारी हैं टोटल, शायद 18 रन बाउंड्रीज में बनाए हैं उन्होंने, सही है, तो अगर वो 4 बॉलों पे 18 रन बना रहे हैं और बाकी 20 बॉलों पे अगर वो 4 रन बना रहे हैं या 6 रन बना रहे हैं,
तो आप मुझे बताएं कि ये किस किस्म की इनिंग्स है T20 के अंदर, सही है? तो हमारे प्लेयर्स जो आपने पूछा ना सवाल के क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनके एक तो मैंने बताया कि जी मेंटल टफनेस का इशू है, दूसरा ये कि इनके जो स्कोरिंग एरियाज है ना, ये स्कोरिंग जो रेंज है वो बहुत ही लिमिटेड है। सिंगल डबल पे हमारा कोई भरोसा है नहीं, हमारे दिमागों में बैठ गया कि जी के पर T20 सिर्फ छक्के चौके की गेम है। पर टी छक्के चौके आप उस जगह पे मार सकते हैं जहां पर बिल्कुल ही, जैसे पिंडी में एक जमाने में पिचेस पिछले साल हमें देखने को मिली थी कि बस आपने यहाँ पे धोना है, या हम जैसे IPL में देख रहे हैं आजकल के किस तरह से वहां पे रन पड़ रहे हैं। मगर जब आप एक प्रॉपर क्रिकेटिंग पिच पे जब आप मैच खेलते हैं तो आप हर दफा आपको छक्के चौके नहीं लगते, आपको सिंगल डबल करना पड़ता है, ठीक है? और ये कोई गली क्रिकेट नहीं है कि जहां पर आपने बस खड़े हो गए बस छक्के मारने हैं, और छक्के के अलावा आपको कोई बस और कोई स्कोरिंग शॉट नहीं है। हमारे वाले प्लेयर्स जो हैं इंक्लूडिंग बाबर रिजवान, इनकी लिमिटेशंस हैं, और ये लिमिटेशंस की वजह से ना इनके स्ट्राइक रेट ऊपर होते हैं, ना ये कंसिस्टेंटली उस तरह से परफॉर्म कर पाते हैं जिस तरह से हमें इनसे एक्सपेक्टेशन है। तो जब तक ये अपने एरियाज को नहीं एक्सपैंड करेंगे, अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेंगे, जब तक ये पार्टनरशिप्स पे बिलीव नहीं करेंगे, तब तक हमारी बैटिंग इसी तरह स्ट्रगल करती रहेगी, और हर नए आने वाला स्ट्रगल करेगा। अभी साइम स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है, जो बाहर बैठे हुए जिसको ये लोग और किसी को हाइप कर रहे होंगे वो आएगा, वो भी स्ट्रगल करेगा। इससे पहले हमने देख लिया कि जी के और हैदर अली स्ट्रगल किया, या उससे पहले और प्लेयर्स आए, या आगे जो आएंगे प्लेयर्स वो क्योंकि प्रोसेस वही है, और किसी ने भी इस अपने इन इश्यूज पे काम करने की जहमत नहीं की भी होती है, ना ही मैनेजमेंट, आई डोंट नो कि मैनेजमेंट किस किन उस पे सोचती है या क्या उनके प्लान्स होते हैं, बट हमें ये कंसिस्टेंट एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हमें हमारे बैटर्स इस चीज को सीरियसली ले ही नहीं रहे। नहीं तो आपने बात की ना कि जो प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस जो प्लेयर्स का बनता है, जैसे मोहम्मद हारिस थे लास्ट T20 वर्ल्ड कप में, ही वाज वन ऑफ द फाइंड्स जैसे कहते हैं ना, बट गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप ही इज नोवेयर नियर द स्क्वाड। मेरा मेरा जो एक फंडामेंटल डिफरेंस मेरा जो फंडामेंटल जो इशू बनता है ना यहाँ पे, वो ये होता है कि आपने इन लोगों का क्रिकेट से कोई मतलब देयर इज नो क्रिकेट से कोई इन लोग की कोई दिलचस्पी नहीं है, बाय 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 दे आई मीन द मैनेजमेंट। और बट दैट्स अ डिफरेंट यू नो वो एक अलग बन जाएगा, वो एक अलग एपिसोड बन जाएगी। बट स्टिकिंग टू क्रिकेट, जैसे बाबर आजम की आपने बात की, मोहम्मद रिजवान की आपने बात की कि उनमें लिमिटेशंस हैं इन देयर स्किल सेट। आई थिंक बाबर आजम, हमने थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है बाबर आजम में इन इन द रिसेंट पास्ट। आज भी अगर आपने उनकी अगर इनिंग्स देखी हो तो ही वॉज एबल टू क्लियर लाइक बिग सिक्सेस टुडे। आई थिंक एक 96 मीटर का छक्का मारा, 100 मीटर का छक्का मारा। बट अदर देन दैट रिजवान स्ट्रगल कर, अपार्ट फ्रॉम द सेकेंड T20 ही स्ट्रगल, फखर जमान स्ट्रगल की अंटिल द लास्ट पॉइंट। तो माय पॉइंट इज के एक बंदे को हम देख रहे हैं कि वो इम्प्रूव कर रहा है। आज भी बाबर आजम की ही स्टार्टेड विद 200 स्ट्राइक रेट पे, जब बाय द टाइम उनकी इनिंग्स खत्म हुई वो 158 160 पे थे, व्हिच इज क्वाइट एन इम्प्रूवमेंट ऑन हिज यू नो फ्रॉम हियर वेयर ही यूज्ड टू बी लास्ट ईयर। तो अगर आप ईयर बाय ईयर देखें तो यू नो ही हैज इम्प्रूव, बट यही चीज हमने रिजवान में क्यों नहीं देखी या फखर में क्यों नहीं देखी। अभी एक एक स्टैट चल रहा था कि रिजवान हैज स्कोर्ड आई थिंक 3,000 T20 runs, और उनमें से एंड ही इज द स्लोएस्ट टू गेट देयर, ही इज कंज्यूम द मोस्ट नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ बॉल्स। तो माय पॉइंट इज के एक अगर आप एक बंदा इम्प्रूव कर सकता है तो आप जो दूसरा बंदा है जो उसी लेवल का है, मोर और लेस उसी का पार्टनर है, वो क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है? वो व्हाट स्टॉपिंग हिम? ये दोनों की आई गेस द क्वेश्चन है कि दोनों का मेथड ऑफ प्लेइंग एक है, दोनों का अप्रोच एक, दोनों की अप्रोच एक है, तो इम्प्रूवमेंट साथ साथ क्यों नहीं हो पा रही है? आई थिंक मोहम्मद रिजवान ने ना, वो जो हम बचपन में कछुआ और खरगोश की स्टोरी पढ़ते थे ना,
उसका मॉरल था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. आई थिंक मोहम्मद रिजवान ने उसको बहुत लिटरली ले लिया. तो एक तो ये भी रीजन है. देखिए आई थिंक जितने भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए ना शायान, दे कैन ऑल बी लिंक टू द सेम थिंग दैट यू नो शेरियार एंड आई वर जस्ट टॉकिंग अबाउट. कि एक तो आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, दूसरा ये कि आप में वो होता है ना कि एक लर्निंग की एक वो होती है, चाह होती है आप में कि ठीक है मेरा एक स्किल सेट है दैट इज हेल्पिंग मी सर्वाइव, बट इज दैट हेल्पिंग मी टू बिकम अ लेजेंड इन माई फील्ड? अनफॉर्चुनेटली नो. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है. आपने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम के बारे में हर बंदा यही बात करता है कि ही हैज़ अ ड्राइव टू इम्प्रूव. ठीक है वो मतलब नथिंग अगेंस्ट दिस यू नो ट्रेट ऑफ रिजवान, बट बाबर बैठ के मस्जिदों में खुद भी नहीं दे रहा है या उसकी वो वीडियोस नहीं आ रही, वो अपने काम से काम बैठ रहा है. तो यू नो जो आपका काम है पहले वो आना चाहिए, उसके बाद आप जो करना आप करें. दैट इज द प्रॉब्लम. दे डू नॉट हैव द अर्ज और द थर्स्ट आई शुड से टू इम्प्रूव देयर क्राफ्ट. जैसे शरियार अभी बात कर रहे थे कि लिमिटेड स्किल्स का सेट है, वो क्यों है? कवर ड्राइव की बहुत तारीफ होती है, कवर ड्राइव ही मतलब T20 क्रिकेट में या कोई भी क्रिकेट हो, आपने सारे के सारे रन कवर ड्राइव पे थोड़ी करने हैं. बाकी भी ग्राउंड है, बहुत सारे तो गैप्स भी हैं ग्राउंड में, लेकिन बात वही है कि जब आपने ये जगह नहीं खेलना तो बॉलर, यार बॉलर जो है ना वो बॉलर डजंट हैव टू बी एक्सट्रीमली क्विक, बॉलर डजंट हैव टू बी एबल टू स्विंग द बॉल राइट एंड लेफ्ट इन टुडेज यू नो एज एंड एरा इन माय ओपिनियन. स्मार्टली आप बॉल करें, आपको पता है बैट्समैन कहाँ फंसता है. क्योंकि ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इंजेक्टिंग टू मच डेटा इनटू क्रिकेट, लेकिन जो डेटा से मुराद ये है कि कुछ चीज़ें आप एनालाइज करके कम से कम प्लान्स बना लेते हैं. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मैचअप्स ईदर, लेकिन ये है कि अगर आपको डेटा ये बता रहा है कम से कम यार ये बैट्समैन यहाँ पे फंसता है, तो डेफिनेटली यू वांट टू ट्राई यू नो यू वांट टू टेस्ट द बैट्समैन इन दैट एरिया. एट द सेम टाइम द बैट्समैन इज नॉट डूइंग एनीथिंग बाय लुकिंग एट द डेटा कि यार अगर मैं यहाँ फंस रहा हूँ तो मैं इस शॉट को थोड़ा इम्प्रूव कर दो, मैंने हट के इधर ही मारना है. तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द फंडामेंटल इशू कि हमारे जो प्लेयर्स हैं अपार्ट फ्रॉम नॉट बींग मेंटली स्ट्रॉन्ग. और एक बात मैं और भी ऐड करूँगा कि मिस्टर हक की मुझे बहुत मतलब मेजोरिटी बातों से आई डू नॉट एग्री. मेरी क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है, आई एम अ वेरी यू नो आई एम अ नोविस क्लब क्रिकेटर, लेकिन कुछ बातें मिस्टर हक की ना मेरे दिमाग को चुभती हैं उन्होंने. लेकिन एक बात की थी जिससे मैं एग्री करता हूँ, वो ये थी कि यार देखिए अगर आप साइकोलॉजिकली थोड़ा वीक हैं या आपको एक चीज़ में एंजाइटी है, आप नहीं इम्प्रूव कर पा रहे, तो आजकल ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं कि आपको अगर साइकोलॉजिस्ट नहीं भी मिल रहा है, बोर्ड नहीं प्रोवाइड कर रहा फॉर व्हाटएवर रीज़न, तो यार आप खुद इंडिविजुअली स्टेप ले लें, मोटिवेशनल वीडियो देख लें या आप किसी यू नो साइकोलॉजिस्ट से खुद बात कर लें, एटलीस्ट डू समथिंग अबाउट इट. हमारा एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना कि हमारे जिस पर रिलायंट भी होते हैं, नहीं मुल्क नहीं चलेगा जब तक IMF पैसे नहीं देगा, मैं कुछ नहीं करूँगा जब तक बोर्ड मुझे कुछ नहीं करेगा. भाई तुम खुद भी तो हो ना, मतलब अगर तुम पाकिस्तान नहीं खेलते तो क्या करते? तो ये यू नो जो एक सेल्फ अर्ज होती है ना टू इम्प्रूव टू डू बेटर, आई थिंक दैट्स आल्सो मिसिंग. नो एब्सोल्युटली, आई मीन वो तो खैर इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल है ना कि अभी रिसेंट पास में उमर अकमल का एक स्टेटमेंट चल रही थी, पढ़ी होगी आपने कि अल्लाह के बाद मुझे मुझे शरीफ खानदान पे भरोसा है, मुझे क्रिकेट खिला देंगे. मतलब यार कमान यार, आई मीन वाला वाला कुछ. तो यार आपने और कितनी क्रिकेट खेली है, आपने क्रिकेट बदनाम कर दिए कसम से. बट वन थिंग इन दिस सीरीज एंड इन द लास्ट मतलब इस PSL में भी हमने प्रीवियस PSL में भी देखा था, इस सीरीज में भी देखा कि इन्होंने एटलीस्ट इस बार ना बाउंड्री के साइज बड़ा किया हुआ था. PSL में भी जितने भी छक्के पड़े थे ऑल 80 प्लस मीटर, 75 प्लस मीटर की बाउंड्रीज थी, 80 प्लस मीटर के छक्के पड़े थे. इस सीरीज में भी काफ़ी ऐसा हुआ है, विच आई थिंक इज फेयर. आपने यू नो इवन कॉन्टेस्ट रखने के बाद बिटवीन बैट एंड बॉल, बट हमने बिग हिटिंग की बात की है. एक कंसर्न मेरा ये भी है इस गोइंग इनटू द सीरीज, गोइंग इनटू द नेक्स्ट यू नो अपकमिंग सीरीज इन द वर्ल्ड कप, हम होम सीरीज में अपने स्पिनर्स को नहीं मार पा रहे हैं. यू नो इश सोदी, माइकल ब्रेसवेल. अब जहाँ पे वर्ल्ड कप है वहाँ पे कंडीशंस और स्पिन फ्रेंडली हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको आपके जो खिलाफ बॉलर्स आएंगे उनका कैलिबर और बड़ा है. आपको यू नो इंडिया के खिलाफ गेम है, जडेजा है, अश्विन है, कुलदीप यादव है,
चहल हो, जो भी हो, यू नो ऑल दीज गाइज हु आर अकॉम्प्लिश्ड स्पिन बॉलर्स, जहाँ पे कंडीशंस भी आपको फेवर करेंगी. हम पिछले गेम में ये भी बात कर रहे थे कि 7th ओवर से 15th ओवर वाला जो फेज है वहाँ पे हम स्ट्रगल भी करते हैं. तो व्हाट इज पाकिस्तान्स यू नो की टू सक्सेस या वे फॉरवर्ड इन टैकलिंग स्पिनर्स इन दैट एरिया, क्योंकि आज भी देखा था हमने वो स्ट्रगल किया था, फखर जमान स्ट्रगल कर रहा था बहुत, बट यू नो ही इज द काइंड ऑफ गाय दैट दैट ही विल फाइंड हिमसेल्फ ऑन दैट प्लेन टू द वेस्ट इंडीज फॉर द वर्ल्ड कप. तो ये किस तरह आप एडजस्ट करेंगे, किस तरह आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरह आपको अटैक करना चाहिए, हाउ डू यू सी द पाकिस्तान टॉप ऑर्डर अटैकिंग यू नो डीलिंग विद द 7th to 15th ओवर फेज इन द वर्ल्ड कप? नहीं, उसमें तो जो सिंपल एडवाइस है वो सी बॉल हेड बॉल वाली है. जब बॉल दे रहा है तो वो सी बॉल हेड बॉल करे वो. बट आई मीन इन ऑल सीरियसनेस, वही वाली बात है कि जो पाकिस्तान उस जब तक अपने स्किल सेट पे काम नहीं करेगा, जब तक इन चीज़ों को वो एनालिटिकली जो है ना उसको देखेंगे नहीं कि भाई कि हमें जो 17 7वें ओवर से 15 ओवर तक में जो हम फंस रहे हैं वो क्यों फंस रहे हैं. अब हमें ये तो नज़र आ रहा है कि आप 7 रन पर ओवर के हिसाब से आप खेल रहे हैं, ठीक है. हमें ये भी नज़र आ रहा है कि आपके नंबर 3 नंबर 5 नंबर 6 के जो बैटर्स हैं वो 111 115 118 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं. मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो रूट कॉज उसकी क्या है, उसमें उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है. उस पूरे फेज में आप कितने स्ट्राइक रोटेशन आपकी कैसी है, आपकी बाउंड्री हिटिंग कैसी है, आपके डॉट बॉल परसेंटेज कितना है, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है. और अगर आपका कोई भी नंबर, चाहे वो डॉट बॉल परसेंटेज का नंबर, अगर आपका हाई है इन दैट फेज, दैट मीन्स कि आपको आप स्पिनर पे हल्के हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा कि स्पिनर को कैसे खेलना है. अगर आपका सिंगल डबल का रेशो कम है, आप इसका मतलब है कि आपको गैप्स निकालना नहीं आ रहे हैं, आपको बॉलिंग जो है वो तंग कर रही है, ठीक है. अगर आपकी बाउंड्री जो है वो बाउंड्री काउंट उस फेस के अंदर कम है, दैट मीन्स कि आप अग्रेसिव बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, आप पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं. तो जब तक ये आपके मैट्रिक्स, जब तक आप इनको नहीं देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करके जब आप उन नंबर्स पे सही प्लेयर्स को नहीं खिलाएंगे, तब तक आपका ये इशू रहेगा. अभी आप देखें कि इस पूरे जो पूरी सीरीज हुई है, नंबर 4 पे फखर ने पिछले मैच में भी 50 मारी थी, आज भी रन की है, ठीक है. ठीक है कि आज वाले रन जो है वो टूवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग्स आए हैं, जब 17 ओवर के बाद, उससे पहले ही वॉज बेरली स्कोरिंग रन अ बॉल. तो अगर आप यही सिचुएशन, यही फखर नंबर 4 पे अगर वर्ल्ड कप में बैटिंग करता है और वो 27 बॉलों पे 27 रन बनाता है, तो हम खुद एनालाइज कर सकते हैं ना कि हमारी टीम पर कहाँ खड़ी हुई होगी. क्योंकि आपको हर हर मैच में 3 ओवर, आखिर के 3 ओवर ऐसे नहीं मिलेंगे कि जहाँ पर आप खेच के जो है ना 137 178 पे ले जाएं, राइट. क्योंकि अगली टीम है फिर आपको 150 पे बुक करेंगी, आपको इतना लंबा खेलने भी नहीं देंगी. तो ये जो इश्यूज हैं, अब आप देखें ना, इफ्तखार की मिसाल आप ले लें. इफ्तखार का सोल पर्पस इस टीम में उसको जो है ना इंटेंट के साथ बैटिंग करनी है, हायर स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करनी है. वो ज्यादातर जो है ना वो ऐसे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर रहा होता है जो कि रेगुलर बैटर से भी कम होते हैं. आज की मिसाल आप ले लें, इससे पहले पिछला वाला मैच आप देखें तो दोनों ने सेट पोजीशन पर आके जो है ना वो अपनी विकेट्स को लूज कर दिए और हम वो मैच हार गए, हम 4 रन से वो मैच हार गए, राइट. तो वो जो हमारे इश्यूज है ना, वो हमारे इसी वजह से हैं क्योंकि हमारे पास एक तो प्लेयर्स है उस तरह से है नहीं, ठीक है. हमें पता है फखर ही इज वो एक टिपिकल उसका क्या नाम है, उसको एक टिपिकल सॉर्ट ऑफ बॉलर चाहिए जहाँ पे वो लेग साइड को टारगेट कर सके. उसके अलावा उसके पास इतने स्कोरिंग एरियाज उसके नहीं है. इफ्तिखार को हमने देखा है कि ही इज मोर कंफर्टेबल अगेंस्ट पेसर्स, उसको पेस चाहिए थोड़ी सी. और उसमें भी अगर आप देखें तो उसका स्कोरिंग शॉट सिर्फ और सिर्फ
या तो डाउन द ग्राउंड है जहाँ पे वो थोड़ा सा अगर फुल बॉल होगा तो वो डाउन द ग्राउंड खेल लेगा, स्ट्रेट मारेगा, या फिर थोड़ा सा अगर फुल बॉल उसको डाउन द लेग मिलता है तो वो फाइन लेग स्क्वायर लेग की तरफ खींचता है। उसके अलावा उसको आपके पास इन दो एरियाज को अगर आपने पैक कर लिया, उसके अलावा इफ्तिखार के पास कोई स्कोरिंग शॉट नहीं, राइट। आजम खान इस येट टू बी सीन के वो किस तरह से इंटरनेशनल में खेल, अभी तक जो उसकी इंटरनेशनल में परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अंडरवेलमिंग है। तो क्योंकि हमारे पास प्लेयर उस तरह से नहीं है और जो प्लेयर्स हैं उनके लिमिटेड स्किल सेट की वजह से हम जो है वो उस को अचीव नहीं कर पा रहे जो हमें अचीव करना है। तो आपने जो बात की कि हम कैरिबियन में जाके क्या करेंगे, हम कैरिबियन में भी एक यही करेंगे जो हम रावलपिंडी में कर रहे हैं, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं, इनको इनका मेथड यही है खेलने का। ओवरनाइट सक्सेस आपको मिलनी नहीं है कोई, अनलेस एंड अनटिल के हम कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दें, ऊपर से हमारे रन आ जाए बहुत तेजी से, या कोई एक बंदा लंबा खेल जाए तो आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज आप यही जो चीज़ हमने अभी रावलपिंडी में देखी है यही हम न्यूयॉर्क डेलिस में और जमैका वगैरह में देख रहे होंगे, और यही बातें हम उस वक्त भी कर रहे होंगे। I mean, let's hope that doesn't happen. ये अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर तो गेम तो बढ़ गया. नहीं अच्छा, अगर ये बात हम तब भी करेंगे तो ये एपिसोड दोबारा अपलोड कर देंगे। बोलेंगे प्रोफेसी हमारी निकली थी नए थंबनेल के साथ। नहीं बट इस सीरीज में हमने एक दो चीजें और भी एंटिसिपेटेड थी, वो थी हमारे मैच विनर्स की वापसी। मोहम्मद आमिर ने 3 गेम खेले, इमाद वसीम ने 2 गेम खेले। इमाद वसीम प्रॉबली हैड द बेस्ट चांस टू फिनिश दिस गेम, टू उनकी रेपुटेशन थी ना मैच विनर की और गेम फिनिश करने की, दैट वाज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही कुड हैव आस्क्ड फॉर, बट अनफॉर्चुनेटली वो फिनिश नहीं कर पाए। आज मोहम्मद आमिर ठीक ठाक रन खा रहे थे इन द बिगिनिंग ऑफ द स्पेल, और इतना पिटने के बाद भी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके बावजूद वो और पिट रहे थे। तो ये जो हमारे मैच विनर्स जो आए हैं, दीज गाइज हैवन्ट रियली डिलीवर्ड आई वुड से इन माई ओपिनियन। आमिर का आई थिंक पहला गेम अच्छा गया था, उसके बाद ही सैट डाउन ऑन थर्ड वन एंड आखिरी के 2 गेम खेले। बट इन लोग की वापसी कराना, उस्मान खान का डेब्यू कराना, ऑल इन ऑल जो ये लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग को कॉम्बिनेशन ट्राई ट्राई करनी थी, ये करनी थी, आई थिंक ऑल द एक्सपेरिमेंटेशन दैट दे हैव डन, टू बी इन माय ओपिनियन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ देम हैव सॉर्ट ऑफ बैकफायर्ड इन माय ओपिनियन, अपार्ट फ्रॉम मे बी अब्बास आफरीदी हु रियली हैज बीन अ फाइंड, नॉट रियली अ फाइंड बट हु रियली हैज परफॉर्मड इन दिस सीरीज। तो ये जो 3 नाम लिए हैं मैंने, उस्मान खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, इन 3 का इम्पैक्ट इस सीरीज में कितना कितना मायने रखता है, एंड हाउ डू दे फिट इन इन द अपकमिंग टाइम फ्रेम, क्योंकि इन लोग को वर्ल्ड कप में तो जाना है, ये आई सी नहीं है, बट इन लोग की कंट्रीब्यूशन क्या बनती है गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप एंड इन टू द सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड एंड आयरलैंड। नहीं, जैसा आपने बात की ना शयान की, ये लोग टीम में आए सब कुछ हुआ, मैं अभी सोच रहा था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट, खासकर सिलेक्शन कमेटी जो है ना, उनका जो मोटो है ना, मुझे लगता है वो है यू ओनली लिव वंस, योलो। बिकॉज छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की जिंदगी है, इसको भी चांस दो, इसको भी दो, तुमने खेला तुम भी हाजिर, तुम भी खिला लेती है, वो चल रहा है। जहां तक बात इम्पैक्ट की है ना, फ्रेंकली मुझे नहीं लगता कि देर वॉज एनी इम्पैक्ट एट ऑल। इमाद वसीम नो डाउट कि उनके पास वो गेम फिनिश करने का चांस था, लेकिन वो हम उससे भी बात कर रहे थे ग्रुप चैट पे कि जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं ना या स्कोर कार्ड पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि ये रन आए कहाँ है, कहाँ से है, बंदा कहाँ मार रहा था, कहाँ है। इमाद वसीम उस दिन हमने देखा वो शॉट कहाँ खेल रहे हैं, बॉल कहाँ जा रही है। ठीक है 2 चौके आ गए, बट रियली आई मीन रियली तो द पॉइंट इज के भाई चौका चौका अभी, होता है, चाहे वो कतरी हो या मिडिल का हो। हाँ चाहे वो कतरी हो या वो बहरीन का हो, चौका चौका होता है। लेकिन द पॉइंट इज के ठीक है आप से रन आए बैट से, बट इज दैट वेर यू वर इंटेंडेड टू प्ले। द पॉइंट इज
कि भाई ये पीएसएल के बॉलर नहीं है, ये आपको उस जगह पे बॉल ही नहीं कर रहे थे जहाँ पे आप खेल सकते हो, सीधी सी बात है। तो ये तो इम्पैक्ट का प्रोग्राम तो बढ़ गया था इनका, ठीक है, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं था। दूसरी बात थी मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर के बारे में हमने हमेशा एक बात मेंटेन की है, ठीक है, उनके जो भी इश्यूज रहे हैं बोर्ड से, उन्होंने बाबर के बारे में बात की, किसी के बारे में बात की, एवरीथिंग सेटिस्फाइड। स्किल लेवल पे ही इज अ फार बेटर बॉलर देन अ लॉट ऑफ यू नो बॉलर्स वी हैव वी वी हैड इन द स्क्वाड ओवर द लास्ट कपल ईयर्स। वापस आए, एग्जीक्यूशन की नहीं, वो होता है ना कि आपका जो अच्छा प्लेयर होता है वर्सेस बहुत अच्छा प्लेयर, उसमें जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है कंसिस्टेंसी का। मोहम्मद आमिर ने बीच में एक आधा ओवर यहाँ इधर उधर अच्छे किए, बट ओवरऑल कुछ अच्छा किया, क्या इम्पैक्ट आया? नथिंग एट ऑल। ठीक है, मोहम्मद आमिर अनफॉर्चुनेटली हैज़ रिड्यूस्ड हिमसेल्फ इनटू यू नो टू अ बॉलर दैट बॉल्स अ फास्ट बॉल एंड देन ही रिलाइज ऑन अ स्लोअर वन। ठीक है, दैट्स ऑल व्हाट ही हैज़ बिकम, जो कि T20 में बहुत दफ़ा इम्पैक्टफुल होता है, बट क्या वो इस सीरीज में इम्पैक्टफुल था? बिल्कुल भी नहीं। द प्रॉब्लम या जो वरी है वो, एंड आई प्रे टू गॉड के यू नो आई एम रॉन्ग इन दिस, बट आई एम सीइंग 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप रिपीटिंग इटसेल्फ अनफॉर्चुनेटली। आप स्कोर उठा के देखें, वही लोग हैं, आमिर है, यू नो शाहीन अफरीदी है, इमाद वसीम है, मतलब ऑल ऑफ द सेम फेसेस हैव कम बैक, बट एंड एट द सेम टाइम दीज पीपल राइट नाउ आर नॉट एज मैच रेडी एज दे वर बैक इन 2019, बिकॉज एक कंसिस्टेंट रन था ना उससे पहले, अब तो बैठे हुए थे, कोई ड्रेसिंग रूम में सिगरेट पी रहा है, कोई बाहर लड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मतलब यू नो दे आर नॉट, वो उस शेप में है ही नहीं। तो इनसे अगर बेहतर कुछ हम एक्सपेक्ट करेंगे ना, तो वही बात है, यू नो वी आर होपिंग फॉर अ मिरेकल। अनफॉर्चुनेटली अगेन, यू नो आई एम सेइंग दिस अगेन, आई होप टू, आई प्रे टू गॉड एंड आई होप, यू नो आई एम रॉन्ग इन दिस, बट द फियर आई हैव आफ्टर वॉचिंग दिस सीरीज अगेंस्ट अ वेरी वीक न्यूजीलैंड टीम इज दैट इट माइट बी द रिपीट ऑफ 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप। अगर रिपीट हो रहा है तो फिर आप सरफराज को भी वापस ले आए, फिर क्यों नहीं, फिर वाप को भी लिया ना, वाप तो आ चुके हैं, वो तो आ जाएंगे बॉल लेके। लेकिन मैं इन पर्टिकुलर प्लेयर्स की बात कर रहा था, और जो टीम फॉर्मेशन है ना, बिकॉज 2019 में भी ऑन पेपर हमारी टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन वो ना फिर बाद में मिक्स अचार कुछ लग रहा था, तो वो अनफॉर्चुनेटली अभी भी लग रहा है। नहीं, क्या कहते हैं, जहाँ तक बात रही इम्पैक्ट की, आपने बोला ना कि ये एग्जीक्यूशन नहीं करवाते, आई थिंक इन लोग का ना, ये लोग बिग मैच प्लेयर है, जैसे हम आपको तो GDCC का तो पता ही होगा, वो बिग मैच प्लेयर है, वो तो बिग मैच से परफॉर्म करेंगे, छोटे मोटे ये सीटिंग के खिलाफ थोड़ी परफॉर्म करना है और क्या। तो और ये बिग मैच प्लेयर है, ये बाकी प्लेयर पे गुस्सा होता है, तुम लोग हमें बिग मैच तक लेके ही नहीं गए, हम जैसे तो खैर, बट एनीवेज यू नो इज दिस सीरीज आई वुड से पाकिस्तान रियली डिड नॉट प्ले अप टू देयर पोटेंशियल इन माय ओपिनियन। जो नसीम शाह का भी एक तरीके से कमबैक था, शाहीन अफरीदी यू नो ही वाज ऑन सॉन्ग, आज भी 4 विकेट ले गए, पहले भी 3 विकेट्स ले गए थे। तो एक अच्छी बात ये है कि यू नो वन थिंग दैट रियली केम आउट ऑफ दिस होल कैप्टनसी फियास्को, जो भी मिसमैनेजमेंट कह लें आप, कि आई थिंक शाहीन द बॉलर इज अ नेसेसिटी राइट नाउ, इज द नीड ऑफ द आवर, वर्सेस कोई के जो भी बोले कि शाहीन द कैप्टन। आई थिंक इन लोग की इंडिविजुअल स्किल्स की एग्जीक्यूशन इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो कैप्टनसी मैटर्स या जो भी। और एक चीज़ मैंने ये भी नोट की थी इस पूरे सीरीज में कि यार जितनी भी जो चिरांद हुई है यू नो इन द लास्ट 2-3 वीक्स, उसके बावजूद आई फील लाइक कि द टीम की यूनिटी कह लें या टीम के स्पिरिट कह लें, जो भी कह लें, इतना अफेक्टेड नज़र नहीं आता। इट डिड नॉट लुक लाइक कि ये लोग यू नो कोई मतलब हड़ा हुड़ी मची हुई है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है, कोई फील्ड में कोई मिसप्लेस चल रहे हैं। सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक बाबर आजम को काफ़ी क्रेडिट जाता है इस बात का कि ही डिस्पाइट ऑल द फियास्को दैट्स हैपनिंग, ही इज केप्ट द टीम मोर और लेस यूनाइटेड, आई वुड से। एनी डू यू गाइस हैव एनीथिंग टू ऐड टू दैट? अच्छा, पहले जो है ना, मैं जरा उस पे इम्पैक्ट पे बात कर लूँ कि जो इमाद और आमिर की जो आपने पहले बात की ना कि इनका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं था,
अब बात यह है कि भाई कि आप ये बात जो है वो किस उसमें कर रहे हैं कि आमिर और इमाद का इम्पैक्ट ज्यादा नहीं था। आमिर ने ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस PSL में दे दी थी जिसके बाद आपको लग रहा था कि जी कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आएंगे तो वो बहुत इम्पैक्ट डालेंगे। उन्होंने क्वेटा के लिए क्या इम्पैक्ट डाला है? आमिर की एट बेस्ट जो परफॉर्मेंस आपको इस सीजन में ही मिलेगी ना, वो आपको लोग बातें ये बातें करते हुए नजर आएंगे कि जी के ही इज द बेस्ट डेथ बॉलर वी हैव इन पाकिस्तान राइट नाउ। ठीक है, सबको पता है कि शाहीन जितना इफेक्टिव नए बॉल से है वो डेथ ओवर्स में नहीं है। ठीक है, आमिर का आप देखें, और जैसे मैंने पहले भी ये बात की थी कि आमिर का बेस्ट, अगर आप कहेंगे ना कि आमिर का बेस्ट सीजन PSL 9 था कि जी उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला, तो अगर आप जब नंबर्स उठाएंगे ना तो हसन अली के नंबर्स इज फार बेटर देन आमिर। ठीक है, मगर नंबर की बेस पे कोई भी नहीं बोलेगा कि जी कि आप हसन को लेकर आ जाएं, क्योंकि हसन की अगर आप जब, और इवन आई थिंक उसने शायद 1 या 2 मैचेस में मैन ऑफ द मैच भी मिला है उसे PSL में, राइट। मगर कोई भी उसकी बात नहीं करेगा क्योंकि यू नो ही डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट जो आमिर का था। मगर आप ये समझ रहे हैं कि जी कि वो स्लो पटर्स डाल के और वाइड यॉर्कर्स डाल के जो है वो इंटरनेशनल में आके इम्पैक्ट डल जाएगा, तो वो भी नहीं, वो ऐसा नहीं होने वाला। और इन दोनों की जो वापसी हुई है वो उसकी एक वजह ये भी थी ना कि जी कि इनके पास CPL का बहुत एक्सपीरियंस है, CPL में इन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी हम वो भी देख लेंगे कि कैरिबियन में जाके क्या करते हैं। जो लोग PSL खेल के होम ग्राउंड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं वो CPL में इसका एक्सपीरियंस लेके जब CPL में वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो क्या 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 करेंगे वहां जाके। तो ये वही वाली बात है ना, हमारी वही शॉर्ट साइटेडनेस है कि जी के वो उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। ओ भाई, हमारे पास पिछले 30 साल से ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस है, कितने मैचेस जीत गए हम वहाँ पे। ठीक है, हर सबको पता है ना बाउंसी विकेट होती है, बॉल ऊपर आता है, कट पुल वाले प्लेयर्स चाहिए हमें, यू नो जेनेरिक सी बात है ना ये सारी। क्या कर लिया आपने वहां पे आगे, आपको तो बड़ा एक्सपीरियंस है वहां पे। तो अब कैरिबियन का बोल के जी कि वो कैरिबियन में आजम खान को बहुत एक्सपीरियंस है और साहिम अयूब ने बड़ा अच्छा किया है और जी आमिर ने 2-3 सीजन खेले हैं बहुत अच्छा किया है, इमाद ने बहुत अच्छा किया है, तो भाई मलिक को भी ले जाओ, उसके बाद तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और उसकी मिडिल ऑर्डर में जगह भी है, राइट। तो ये पिक एंड चूज करना और इस तरह की बातें करना ना, ये बहुत ही इमेच्योर सी यू नो इलॉजिकल सी हरकतें हैं। तो इम्पैक्ट उनका इस सीरीज में कोई ऐसा खास नहीं आने वाला था, बस जितना उन्होंने कर दिया वो कर दिया। और दूसरी बात ये कि वो जो आपने बात की ना कि जी कि उसको फिनिश करना चाहिए था मैच इमाद वसीम को, मैंने अपने प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स में नोट किया कि इनसे सारी फनकारी है ना PSL में करवा लो, ये सारे इनसे जो है ना आप जो भी इनसे करवाना है ना PSL में करवाएं, PSL में ये आपको ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस देंगे जिससे आप बोलेंगे अरे यार क्या प्लेयर है ये। और इंटरनेशनल में आप इफ्टी मेनिया को ही देख रहे हैं ना, आप आज सारे उसके बारे में बात कर रहे हैं ना कि इज द बिगेस्ट फ्रॉड। ठीक है, आप देखे ना कि इफ्टी मेनिया जब PSL 9 खेल रहे थे मुल्तान की तरफ से, तो वो ऐसे उनकी हिटे लग रही थी जैसे उनसे बड़ा कोई जो है ना आज तक कोई आया ही नहीं है, हिटर ही नहीं आया है कोई। ठीक है, अब आप देख लें यहाँ पे सी टीम के सामने उनका क्या हाल हुआ है, और ये होम पे खेल रहे हैं ये। अब ये स्पिनिंग ट्रैक पे जाएंगे CPL में आके खेलेंगे जब आज जहाँ पे इनको खेलने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ये वहां जाके क्या करेंगे किसी को कुछ नहीं पता। तो ये लीग क्रिकेट के एक्सपीरियंस को लेके और इनको जो है ना वो करके आप समझ रहे हैं कि जी कि आप बहुत कोई जो है ना बहुत कोई अच्छा कर लेंगे। लीग क्रिकेट के एक्सपीरियंस से आप अच्छा नहीं करते, आपको अपनी बेसिक्स स्ट्रांग करनी पड़ेंगी, आपको अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे, फील्डिंग पे काम करना पड़ेगा। लीग एक्सपीरियंस से आपको, लीग एक्सपीरियंस आपको ये नहीं बताएगा कि आपको कैसे कैचेस पकड़ने हैं या यू नो विकेट्स कैसी लेनी है, जो आपके एक इशू आ रहा है कि आपके स्पिनर्स विकेट नहीं ले पा रहे हैं या आप 7 to 15 ओवर्स में ना आपसे बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं इस पे काम करेंगे, आपके पास जितना मर्जी CPL का एक्सपीरियंस हो, कैरेबियन का एक्सपीरियंस हो, वो काम नहीं आने वाला। तो द ओनली थिंग इज के
अब मूविंग फॉरवर्ड जो है वो आपको जो इंग्लैंड और आयरलैंड की सीरीज आ रही है, होपफुली मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगी इन द स्क्वाड। ये प्रीटी मच यही स्क्वाड आपको वर्ल्ड कप जाता हुआ नज़र आएगा। आपको सिर्फ बैठ के ये देखना है कि हमने क्या चीज़ें इन सीरीज में गलत की हैं जो कि जिससे हमें मैचेस हमारे लगे हैं, राइट। हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है कि वो चीज़ें हम दोबारा अब ना करें। या हम डॉट बॉल्स अगर खेल रहे हैं, अगर ज़्यादा खेल रहे हैं तो उनको कम करें, अगर हम एक्स्ट्रा ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको कम करें, अगर हम बाउंड्री हिटिंग हमारी अच्छी नहीं है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अदरवाइज जो है वो हमें कोई बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे इन द वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द ट्रेंड। और टाइम, वुड यू हैव एनीथिंग टू ऐड टू दैट? नहीं, इतना कुछ ऐड तो नहीं, बस लेकिन यही है कि जैसे शेरिया ने कहा ना कि इनका ये एक्सपीरियंस है, तो मुझे लग रहा था ये इनका जो एक्सपीरियंस वहाँ काम आएगा ना, वो आएगा कि एक दूसरे को बता रहे हैं यार इस जगह से खाना अच्छा मिलता है, उस जगह से खाना अच्छा मिलता है, यही एक्सपीरियंस बचेगा वहाँ पर। और तो कुछ क्रिकेट में तो झगड़ा लेने लेने जाएंगे ये। लेकिन बिकॉज यू नो द बिगेस्ट लिटमस टेस्ट दैट वी हैव सीन इज द फैक्ट कि लाइक शेरिया सर, अगर PSL खेलने के बाद पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं हो रहा, CPL खेलने के बाद, आई मीन कम ऑन यार, बी रियलिस्टिक। कब तक गफलत की इनमें सोगे क्या इकबाल के शेर दोबारा पढ़ाए तुम्हें, यू नो, सो दैट्स ऑल आई हैव टू से। नहीं, CPL का एक कैरिबियन का एक्सपीरियंस हमें भी बड़ा अच्छा है। 2007 का वर्ल्ड कप, ओहो हाँ वो तो सबसे अच्छा है यार, अल्लाह माफ कर, कह रहे चाहिए कह लगा था कि अभी कोच को मार के आएंगे क्या ये वास्ते? मुझे लग रहा है इसीलिए कोई फॉरेन कोच अभी तक आया नहीं है। कैरेबियन मेरी भाई अभी नहीं अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है गैरी क्रिस्टन होंगे, लास्ट टाइम भी जो मरा था वो भी साउथ अफ्रीकन था। कहीं ना, अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह मैं करे। मैं तो कहता हूँ जो ना वो बाब रियाज को ही हेड कोच बना देते हैं, जहाँ इतना सब बन कुछ बना रहे हैं तो जाओ हेड भाई। कोच उसी को बना दो। ये क्या फिल्म है, बल्ला लेके पिच प्रैक्टिस पिच पे आए थे, क्या चल रहा है वहां पर? तो सिक्स का चैलेंज, छक्कों का चैलेंज कभी करने आ रहे थे वो भी। सुनो भाई आप, इन लोग को छक्कों से बहुत हाँ इश्क हो गया है भाई बोल रहा हूँ मैं। वहां से को आपको छक्का चाहिए, हाँ शीशे में देख लो। वैसे मगर छक्कों से याद आया कि एक बंदे को काकुल जाने का फायदा हुआ है। आज बाबर आजम के दोनों छक्के जो है वो 90+ मीटर के थे, तो और स्टैंड में गए मेरे ख्याल से दोनों, तो फायदा हुआ है एक बंदे को हुआ है, बाकियों का नहीं पता ये और किसको हुआ शुक्र अभी तक अनफिट भी नहीं हुआ बाबर। है। मोहसिन नकवी विल बी प्राउड। हैशटैग फीलिंग प्राउड। हाँ, उन्होंने तो आज बड़े दिल लगा के ट्रॉफी दिए, बहुत बहुत मुस्कुरा रहे थे वो ट्रॉफी देते हुए, ऐसे हमने वर्ल्ड कप जीत ली। तो हम मुस्कुराए से रहे थे कि उनकी नौकरी बच गई है, ट्रॉफी न्यूजीलैंड नहीं चली गई। चले आज का सेशन रैप अप करते हैं। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव मेड दिस फार, प्लीज बुरा ना माने। सब 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 लाइट लाइट नोट बात की हम लोगों ने। फॉर फॉर दोज ऑफ यू हैव मेड दिस फार, यार कमाल है यार, हैट्स ऑफ टू यार। सर यार, इतना इतनी दूर आए गए थे यार, आप लोग सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें हाँ और ये वीडियो शेयर भी कर दें। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। होपफुली वी विल बी रिव्यूइंग और मेकिंग आवर सिलेक्शंस फॉर द स्क्वाड फॉर पाकिस्तान गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। हाँ